खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साल 2022 अलविदा लेने जा रहा है और इस साल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई नवाचार किए गए हैं। एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। टर्मिनल 2 के साथ अब टर्मिनल 1 को फिर से शुरू करने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा और साल 2022 में जयपुर एयरपोर्ट पर क्या क्या विकास कार्य हुए, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साल 2022 में कई नए बदलाव हुए। साल 2021 में एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप को मिलने के बाद एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी देखी गई। यहां पर 50 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट और शॉपिंग के आउटलेट खोले गए। यात्रियों को सुरक्षा जाँच में ज्यादा समय नहीं लगे, इसके लिए ई बोर्डिंग का नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। इससे यात्री अपने बोर्डिंग पास को स्कैन कर सीधे सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जा सकते हैं। यात्रियों के पास क्षमता से ज्यादा लगेज होने पर लगेज क्यूरिया को दे सकते हैं। टैक्सी सुविधाओं को बढ़ाते हुए टैक्सी गाड़ियों के 2 काउंटर को बढ़ाकर 4 कर दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर 2022 की उपलब्धियां, कार्बन एमिशन घटाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाए गए। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए। एयरपोर्ट पर 6,347 पुरानी लाइट्स को LED लाइट में बदला गया। यात्रियों की शॉपिंग और खाने पीने के लिए 53 आउटलेट्स खोले गए। 50 मीटर दृश्यता क्षमता युक्त नया रनवे विजिबिलिटी रेंज उपकरण लगाया गया। यात्रियों को टैक्सी गाड़ियों के लिए 3 कैब काउंटर शुरू किए गए। नई एयरलाइन विस्तारक की 2 फ्लाइट शुरू की गई। टर्मिनल 2 बिल्डिंग के ब्यूटिफिकेशन पर फोकस किया गया। आर्ट वर्क और पेंटिंग्स बनाई गई। सेल्फी जोन, एंटी ग्रेविटी बूथ बनाए गए। 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। सिक्योरिटी होल्ड एरिया से पहले ई बोर्डिंग गेट लगाए गए, जिससे यात्रियों के समय की बचत हुई। यात्री जांच के लिए एक्सरे मशीनें 3 से बढ़ाकर 6 की गई। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए डिपार्चर अलग किया गया, एंट्री सीधे हुई। CISF के मदद के लिए 100 निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए। 2 QRT व्हीकल्स भी दिए गए। जयपुर एयरपोर्ट पर अभी केवल 1 ही टर्मिनल बिल्डिंग चालू है। टर्मिनल 2 पर बढ़ते यात्री भार के बीच टर्मिनल 1 को शुरू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। एयरलाइंस, कस्टम और अन्य एजेंसियों के लिए काउंटर बनाने का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। वर्ष 2022 में एक तरफ जहां यात्री सुविधाओं पर फोकस किया गया, अब नए साल में जयपुर एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। टर्मिनल 1 को शुरू किया जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों को अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से टर्मिनल 2 पर अब केवल डोमेस्टिक फ्लाइट चलेंगी, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकेंगी। कैमरा पर्सन गिरीश जायसवाल के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।